भारतीय प्राइवेट तैयारी के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग हुई है। फ्लाइट GOW6658 रियाद से दिल्ली जा रही थी। जराए के मुताबिक परवास में भारतीय मुसाफिर मोहम्मद नौशाद की अचानक तबीयत खराब हुई, जो बाद में चल बसे। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। सईद अहमद, बताएगा क्या बताया गया सिविल एविएशन की जानिब से? जराए के मुताबिक भारतीय प्राइवेट तैयारी की जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग है वो हुई है। फ्लाइट GOW6658 जो है वो रियाद से दिल्ली है वो जा रही थी कि परवाज में भारतीय मुसाफर मोहम्मद नौशाद की जो तबीयत है वो अचानक खराब हुई। और जराए का ये कहना है कि मोहम्मद नौशाद को तिबी इमदाद के लिए जिन्ना एयरपोर्ट पर है वो डॉक्टर को तलब किया गया, और एयरपोर्ट ने मोहम्मद नौशाद की मौत की तस्दीक है और वो भी करती है। और जराए का ये कहना है कि डॉक्टर के मुताबिक मुसाफर की मौत जो है वो हरकत कलब बंद होने से बायस है वो हुई है। इस वाले से जो जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अमले की तरफ से भारतीय तैयारे को तमाम तर सहूलियात जो है वो फराहम की गई थी, और हंगामी लैंडिंग की इजाजत है वो तलब की गई थी पायलट की तरफ से, जिसके ऊपर फौरी तौर पर ATC की तरफ से भारतीय प्राइवेट तैयारे को है वो जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाजत दी गई। और जैसे ही तैयारा लैंड किया तो उसके फौरन बाद जो मेडिकल की तिब्बी टीमें थी वो जहाज के करीब पहुंची, और तिब्बी इमदाद के बाद जो मोहम्मद नौशाद की मौत की तस्दीक है वो कर दी गई है। ठीक है, सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।